फॉरेस्ट समारोह स्थल में चल रहे देव्यापार पर पुलिस ने दी दबिश। एक लड़की और दो लड़कों को लिए हिरासत में। लड़की को समझाइश कर भेजा कर लड़कों को किया 151 में पाबंद। आज फॉरेस्ट समारोह स्थल की कुछ वीडियोस वायरल हुई थी और पुलिस को भी सूचना प्राप्त हुई थी कि पुष्कर रोड स्थित फॉरेस्ट समारोह स्थल में देव्यापार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो एक लड़की और दो लड़के आपातजनक स्थिति में मिले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर 151 में पाबंद किया। वहीं लड़की को समझाइश कर उसे वापस उसके घर पर भेजा। पुलिस ने बताया कि जब लड़कों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वे केवल हमारी दोस्त हैं और केवल बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी फॉरेस्टर समारोह स्थल की शिकायत मिली थी। जी सर, सुबह कुछ सूचना आई थी कि कुछ लड़के और लड़कियों में पकड़ा है, क्या मामला? ये पुष्कर रोड पे एक समारोह स्थल है फॉरेस्ट्रा, उसमें एक दो रूम बने हुए हैं, तो ये सूचना मिली हुई थी। इसके बारे में पूर्व में भी परिवाद आया था कि सब यहाँ पे अवैध रूप से लड़के लड़की जो आते हैं और यहाँ पे रुकते हैं। इस सूचना पर आज हमारे जो बीट कांस्टेबल और वो वहाँ गए थे बीट अधिकारी, उन्होंने वहाँ चेक किया तो वहाँ दो लड़के और एक लड़की आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिस पर लड़की को समझाइश करके उसके घरवालों को के पास उसको रेस्क्यू करके उसको भिजवाया गया और लड़कों को धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया करके पाबंद कराया गया। और इस संबंध में फॉरेस्ट्रा जो समारोह स्थल है उसके मालिक को भी तलब किया गया है, उसके आने पर उसको भी पाबंद कराया जाएगा। अजमेर के थे या बाहर के थे? अजमेर के लोकल थे और वो बता रहे थे कि हम आपस में दोस्त हैं और केवल बातचीत करने के हिसाब से आए थे। सर, जो जानकारी मिल रही है कि ऐसा नहीं, जब हमारे को ये सूचना मिली ये भी एक दिन पहले ही परिवाद प्राप्त हुआ था और इसी पे जांच करने के हिसाब से बीट कांस्टेबल और अधिकारी को भेजा गया था वहाँ पे, और इस पे जैसे ही वहाँ पे ऐसा कुछ मिला कार्रवाई की गई है।